बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म को लेकर उनके फैंस काफी उत्साहित थे। फैंस लगातार सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा। अब इंतजार खत्म हो गया है। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म पैडमैन का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अक्षय का वही पुराना अंदाज फिल्म में नजर आ रहा है। वो हंसते हंसाते काम की बात कर रहे हैं और सटीक निशाना लगा रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत किसी एक्शन फिल्म के डायलॉग जैसी होती है। अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती है और वो बताते हैं, अमेरिका के पास सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, लेकिन इंडिया के पास पैडमैन है। ट्रेलर में दिखाया गया है अक्षय विदेश में भी एक सेमिनार के जरिए पीरियड्स में होने वाली परेशानी के बारे में समझाते हैं। पीरियड्स को लेकर महिलाएं आज तक खुलकर बात करने में हिचकिचाती हैं। इस फिल्म के जरिए अक्षय कुमार ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की है। इस फिल्म में राधिका आप्टे अक्षय कुमार की पत्नी की भूमिका निभा रही है। इसके अलावा सोनम कपूर भी फिल्म में मुख्य भूमिका में है। यही नहीं, ट्रेलर के एक सीन में अक्षय कुमार खुद पैड को पहनने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। फिल्म में उन्होंने महिलाओं के पक्ष को जानदार ढंग से रखा है और इसमें उनकी इस क्रांति को लेकर संघर्ष भी नजर आ रहा है। पैडमैन अरुणाचलम मुर्गनाथन नाम के व्यक्ति की असल जिंदगी पर आधारित है। अरुणाचलम ने महिलाओं के लिए सस्ते और अफोर्डेबल सैनिटरी पैड बनाए, जिसके लिए उन्हें कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये फिल्म उनके इसी संघर्ष को दर्शाती है। फिल्म गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को रिलीज होगी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।